बोलो सद्गुरु भगवान की जय, परम पिता परमात्मा की जय, माता पिता की जय। परम गुरुदेव, आज का सत्संग बड़ा प्रेममयी भगवान की प्रेममयी ज्ञान योग भक्ति परम योग तीनों गुणों से परे आत्मा में रमण, आत्मा और परमात्मा को एक दृष्टि से देखने वाले इत्यादि हमारे भक्त वत्सल सभी महान भाव बैठे हुए हजारों गृहस्थ आश्रमी भक्त जो आत्मा में रमण करते हैं, संसार को प्रेममयी देखते हैं, उन्हीं गृहस्थ आश्रमियों को कोट कोट प्रणाम। इस प्रेममयी मानव जिंदगी को भागवत स्वरूप बनाना प्रथम मनुष्य जन का दायित्व है, कर्तव्य भी है, कर्म भी है, यही धर्म है। चलते हैं धारा प्रवाही अविनाशी परमपद स्वामी श्री हरि से साक्षात आत्मा और परमात्मा की चर्चा शुरू करते हैं। विराट पुरुष की कल्पना करना कठिन है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान बहुत विराट हैं। भगवान में कई कल्प, कई मनवंतर, कई लोग बसे हुए हैं। हम तुच्छ जीव, कुटिल पुरुष भगवान की कल्पना व्याख्या करें तो यह अज्ञान है। भगवान को प्रेम पूर्वक, दया भाव से, सरल भाव से भगवान को अपना लेना ही भक्त की सर्वोपरि यही भाव है, क्योंकि भगवान पर्यंत कई लोग उनके शरीर में बसे हुए हैं। साकाम पुरुष के लिए यही है कि अपना गृहस्थ, अपना धर्म अपनाते रहो, अविधा रूप मार्ग में चल करके साकाम भाव से कर्म करते रहो। धीरे धीरे अभ्यास करते रहने से उपासना रूप कोई भी मार्ग हो, विद्या का मार्ग हो, ज्ञान का मार्ग हो, भक्ति का मार्ग हो, प्रेम का मार्ग हो, सत्संग का मार्ग हो,
गृहस्थ आश्रम में अरुण होकर के गृहस्थ आश्रम को चलाती हुई योग मार्ग पकड़ लेना, योग की नजर से देखना, विद्या मार्ग जो निष्काम उपासकों के लिए और जाने के मार्ग श्री हरि के पास बहुत है। आपको पता है मानवर, भक्तगण, भक्तवत्सल कि भगवान को पाने के लिए हमारे शास्त्रों ने, हमारे गुरुओं ने अनेक प्रकार के मार्ग बताए हैं। मार्ग कोई भी हो, पर किसी भी मार्ग में स्वार्थ की भावना ना हो, निष्काम भाव की भावना हो, वही योग बन जाता है। श्री हरि की लीला जाने मत मानो और उस पर चलने की कोशिश करो। कहने का मतलब ये है कि भगवान के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करो, अभ्यास करो, दया भाव से सरल बन करके उनको मान लो, प्रेम आनंदित से, क्योंकि ना उनका आदि है ना उनका अंत है। ओम निराकार में ही है, साकार रूप विलय अर्थात समय पर प्रकट हो जाता है। जैसे बर्फ माइनस डिग्री होते ही बर्फ बन जाती है और 30 से 40 45 डिग्री जैसी तापमान बढ़ता है तो वो पानी हो जाता है। तो साकार निराकार की अगर चर्चा की जाए तो साकार निराकार सब एक ही हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। और निराकार भक्त भक्ति करके साकार प्रकट कर लेता है, और भक्त के लिए तो न साकार उचित है न निराकार उचित है, उनके लिए सर्वोपरि भगवान से प्रेम उचित है। चाहे साकार रूप में प्रकट हो ईश्वर, चाहे निराकार रूप में प्रकट हो, उनके लिए, भक्त के लिए, एक दास के लिए भगवान की सर्वोपरि उनका नाम जाप होता रहे, हर पल वो याद बने रहें, यही सर्वश्रेष्ठ है, यही सब प्रेम है। मनुष्य शरीर में बंधन किसका है? आत्मा का है, शरीर का है, मन का है, बुद्धि का है इत्यादि। मानव शरीर ये धारण करे हुए हैं, इसमें बंधन किस चीज का है? हमें तो कोई बंधन नहीं लगता है। बंधन अगर है तो मन बुद्धि द्वारा ही बंधन है, अन्यथा बंधन कुछ नहीं है। आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा परमात्मा और परमात्मा आत्मा एक ही है। जैसे आपको अवगत करा दूं, दर्पण और शरीर देखने वाला अलग नहीं है। जैसे आपकी परछाई और आपका शरीर अलग नहीं है, इसी प्रकार आत्मा परमात्मा अलग नहीं है। जो अलग समझता है वो वास्तविकता भगवान को और स्वयं को, स्वयं के स्वरूप को नहीं जानता है। इससे भेद वो रख रहा है। जब वो जान जाएगा, स्वयं के स्वरूप को जान जाएगा, तो आत्मा परमात्मा में कोई भेदभाव नहीं रखेगा। और बांधने वाला कौन है? आसक्ति। आपने खुद ही स्वयं संसार आसक्ति करके आप खुद ही बंधे पड़े हुए, किसी ने आपको नहीं बांध रखा है। श्री हरि की अनवरचनी माया लोभ मोह लगाव से सुनिश्चित कर लिया कि ये सब अविनाशी नहीं है। संसार है जो अविनाशी नहीं है, यही अविनाशी है, आपने ऐसा समझ रखा है, पर वो अविनाशी नहीं है, वो विनाश है। एक दिन उसका समय आने पर विनाश हो जाता है। ये शरीर का भी विनाश हो जाएगा, इसको सौ भी बोलते, संसारिक सौ है। कुछ समय जब इसका समय चक्र में, काल चक्र का जब समय आ जाएगा तो ये भी विलुप्त हो जाएगा समय के अनुकूल। ये सब अविनाशी नहीं है, विनाशी है, पर भी बंद के आप इस संसार में बंधे पड़े हैं। हम भगवान के, भगवान हमारे, तो ये संसार किसका? ये सब खिलौना है। आसक्ति क्यों? मूर्खता बस
छुड़ाए। मन बुद्धि ही जो है वो आसक्ति के कारण आपको भ्रमित कर रही हैं। इस वजह से आप भ्रम ना करें। आत्मा परमात्मा ये सब का सब जो भी है भगवान में ही रमण करो, आत्मा में रमण करो, संसार में रमण न करो। इसी के साथ ये आत्मवाणी सनातन वाणी को यहीं विराम देते हैं। सभी लोगों को हमारा राम राम स्वीकार करना। धन्यवाद।